एज अ पेरेंट मैं कुछ चीज़ें मैंने फॉलो की हैं, क्योंकि हर दिन हर आए दिन आप अखबार खोलते हैं, खोलने की ज़रूरत भी नहीं है, कहीं ना कहीं फर्स्ट पेज पे कुछ ऐसी दर्दनाक न्यूज़ होती है कि किसी छोटे बच्चे के साथ बलात्कार हो गया, उसको काट दिया गया, मार दिया गया, उसकी बॉडी यहाँ मिल गई, छोटे छोटे बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ, तो मतलब और खुद अपना बच्चा हो घर पर, तो ऐसी न्यूज़ पढ़ के तो ऐसे दिल में चौंक जाती थी मैं, मुझे बहुत दुख और बहुत भय हो जाता था. तो आई स्टार्टेड डूइंग सर्टन थिंग्स विच आई एम हैप्पी टू शेयर एज अ पेरेंट, कि आप भी प्लीज़ इसे फॉलो करिए, कि मैंने कभी अपने बच्चों को अकेले कहीं नहीं भेजा. हाँ मैं जानती हूँ आजकल मोबाइल फ़ोन है, आप बोलेंगे वो मोबाइल फ़ोन उनको दे दिया, प्लीज़ दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन. किसी को साथ में भेजिए, किसी औरत को साथ में भेजिए. मैं अपने बच्चों को कभी अपने ड्राइवर्स के साथ, अपने मेल सर्वेंट्स के साथ कहीं नहीं, कहीं नहीं. और अपने ही बच्चों को, अपने ही बच्चे कभी, क्योंकि सारा वक्त मैं नहीं हो सकती, कोई तो एक औरत उनके पास रहे. खेलने गए हैं कोई बात नहीं, दूर भी खेल रहे हैं, मैदान में खेल रहे हैं, मैंने कहा अपनी नज़र के सामने रखना, बस नज़र में होना चाहिए बच्चे कि कहाँ हैं. दूसरों के बच्चे भी आपके घर आएँ तो ये आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप उन्हें अपने उनके घर सही सलामत पहुंचा दीजिए. सो सेम थिंग आई वुड डू, के आए हैं घर, अच्छा ठीक है, फिर मेरा अर्जुन जाएगा साथ में, उसकी मेट जाएगी, उनको वापस घर छोड़ कर आएगी. मैंने उनको जब छोटे ही थे तो तब तो मैं और भी डरती थी किसी से, स्कूल के बाहर जाकर किसी से स्वीट, किसी अंकल ने दिया, कोई भी हो मत लेना, कोई ज़रूरत नहीं. एक और चीज़ आजकल बहुत हो गया, स्लीप ओवर्स, कि अपने फ्रेंड के घर पे स्लीप ओवर्स हो रहे. मैंने बोला पूछना भी मत मुझसे, कोई स्लीप ओवर नहीं होगा अपने घर में, मतलब यानी कज़न ब्रदर कज़न सिस्टर्स के साथ आपको रात गुजारनी है, ठीक है, मुझे पता है कौन से घर में कहाँ हूँ. फ्रेंड का तो नाम भी शुरुआत भी मत करना. और मुझे लगता है बच्चों ने कभी ऐसा नहीं कहा मम्मी आप ही हमें रोकती हो, बच्चों को ठीक लगता है कि वो सिक्योर हैं. आप अगर किसी ने कुछ कहा तो बोले कि मम्मी ने अलाउ नहीं किया, तो आपके ऊपर ब्लेम डाल देते हैं, एंड जो पेयर प्रेशर होता है उससे भी निकल आते हैं बच्चे. सो प्लीज़ बी फर्म. हम बहुत टाइम और पैसे वेस्ट करते हैं बहुत सारी नॉट वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर, अपने कपड़ों पर, अपने मोबाइल फ़ोन्स पर, अपनी गाड़ियों पर, अपने मूवीज़ पर, अपनी पार्टीज़ पर. थोड़ा ध्यान, थोड़ा अगर कहूँ कि थोड़ा अगर एक्सपेंस देकर, यू नो यू नीड टू हायर द राइट हेल्प, डू इट, कीप योर चिल्ड्रन एटलीस्ट सेफ.